अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डिक्सन का हर्बलन पैक मास्क। तो जी, ये करता है कंडीशनर का काम और मास्क का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको ये यूज़ कैसे करना है। अगर आप वीक में एक दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तो इसको आधे घंटे के लिए लगा के छोड़ दें। अगर दो दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तो आप 10 मिनट के लिए लगा के छोड़ दें। लेकिन उससे सबसे पहले तो आपको अपने बालों में अच्छे से शैम्पू करना है। शैम्पू करके अपने बालों को अच्छे से धो के उसके बाद आप उसको मास्क को लगा के, कैसे लगाना है, आप ऑयल की तरह लगाएं जैसे आप अपने बालों पे ऑयल करते हैं। दोनों हाथों पे लगा के आपने जो है अपने रूट से लेकर बिल्कुल लेयर तक मसाज करके छोड़ देना है। बिल्कुल जैसे लेयर तक लगाना है, बिल्कुल अपने जड़ों से लेके मसाज करके उसको फिर छोड़ देना है। 10 मिनट के लिए छोड़ दें। वीक में दो बार लगा रहे हैं तो अगर वीक में एक बार लगा लें तो बिल्कुल आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अगर टाइम नहीं है तो आप पाँच मिनट भी लगा दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका रिज़ल्ट आ जाता है। मैंने आपको बताया तो ये बहुत अच्छा है। इसकी प्राइस है जो मैं आपको दिखा रही हूँ 1200 रुपये, आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है। इसकी रीज़नेबल प्राइस है। अगर इसका बड़ा जाल आप लेना चाहें तो आई थिंक 2000-3000 तक का मिलता होगा, लेकिन मैंने नहीं लिया, मैंने ये छोटा लिया है। मेरा ये भी अच्छा खासा चल जाता है। अभी आप जितना ये देख रहे हैं ये भी मैंने 1 महीना यूज़ किया है तो इतना है। जिसने भी अपने बालों पे केराटीन करवाया उनको मैं बोलूँगी कि ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि मैंने कराया है, मुझे अच्छे फ़ायदे मिले हैं। आपको पता ही होगा केराटीन के बाद कुछ ही टाइम के बाद बाल गिरने लगते हैं, ड्राई हो जाते हैं, दो मुहापन आ जाता है, तो उससे ये बहुत अच्छा फ़र्क पड़ जाता है। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको मिलेगा, दो मुहापन भी ख़त्म हो जाएगा, सिल्की भी होंगे और जो है ना गिरना भी बंद हो गए। मेरे तो हो गए हैं, ड्राईपन भी मेरा ख़त्म हो गया है, तो आपको भी ज़रूर फ़ायदे मिलेंगे, ट्राई करना चाहिए आपको। तो सबको पता है केराटिन के बाद बाल कितने जैसे बिल्कुल बम फट जाता है, तो आपको ज़रूरी कोई मास्क यूज़ करना पड़ता है। तो मास्क के बगैर तो केराटिन वाले बालों का कोई गुजारा ही नहीं है। तो आप ज़रूरी नहीं है महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करें, उससे अच्छा है आपको जो सूट करता है वो करें। बिल्कुल लोकल कंपनी भी ना यूज़ करें, क्योंकि उससे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। कोई अच्छी कंपनी यूज़ करें, लेकिन ज़्यादा महंगी ना करें तो अच्छा है। हमारे बाल बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, हमने इतने दफ़ा रिबॉन्डिंग करवाई है, केराटीन करवाई है, तो जो है मेरे बाल, लोग कहते हैं कि आपके बाल बिल्कुल ख़त्म क्यों नहीं होते, आप हर वक्त कुछ ना कुछ कराती रहती हैं, क्योंकि हम जो है अपने बालों की केयर करते हैं। ऑयलिंग तो सबसे पहला काम, तो ऑयल अपने बालों को लाजमी करें। ऑयल जैसे कि आप खुद पानी के बगैर नहीं रह सकते, तो मेरे बाल ऑयल के बगैर नहीं रह सकते। तो मास्क तो दूसरी दफ़ा आ जाता है कि भाई मास्क अपने बालों को सिल्की स्मूथ करता है, लेकिन जो है ऑयल हमारे बालों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि वरना तो हम गंजे ही हो जाएंगे अगर ऑयल ना करें। लेकिन इस मास्क के आपको बताऊं फ़ायदे हैं कि आपके बाल सिल्की और स्मूथ होंगे। तो जी, मुझे अच्छे फ़ायदे मिले हैं, मेरे काम था आपके साथ शेयर करना। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप ट्राई करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मैं बोलूँगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, और आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको फ़ायदे कैसे मिले। आपको सूट किया तो आप लगाते रहें, अगर ना किया तो आप बिल्कुल भी इसको मत लगाएं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि मैं कौन सा शैम्पू सीरम यूज़ करती हूं, और एक और मास्क भी है मेरा बहुत अच्छा, मैं आपको बताऊँगी, उसके भी बहुत अच्छे फ़ायदे हैं और वो भी बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाता है, कम प्राइस में। तो वो भी मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। ये मेरा फेवरेट मास्क है, सबसे पहले मैंने आपके साथ ये शेयर किया, मैंने कहा ख़त्म हो जाए पहले अब बता ही देती हूँ। असल में मुझे ये जहाँ पे मैं जिस एरिया में मैं रहती हूँ मुझे मुश्किल से मिलता है, तो मैं अगर ये ख़त्म हो जाए तो इसको जब तक लेने ना जाऊँ तो मुझे इतनी आसानी